नमस्कार, ओम शांति। पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, पाथ ऑफ सक्सेस मतलब सफलता की कहानी, मेरे जीवन की सफलता कहानी, आपके जीवन की सफलता की कहानी और हमारे जो इस कार्यक्रम में आते हैं उनके जीवन की सफलता की कहानी। आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं दो महान, जो वैसे आप देखते होंगे कि एक ही आता है, आज है दो डॉक्टर जिनके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। बाकी डिटेल उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सफलता के बारे में बताता है सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हम उसको अमल भी करते हैं। डॉक्टर सुशील प्रभाकर जो कार्य है, जिनका कार्य है गुरु आनंद देव पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हैं और हाल ही में वो कुल सचिव भी रह चुके हैं। और देखा जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारी इसका 2018 में उन्होंने प्राप्त किया है। अभी तक वो ज्ञान में चल रहे हैं, उम्मीद है कि वो आगे भी चलते रहेंगे। डॉक्टर पूनम शर्मा जिनकी उम्र है 58 वर्ष, पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने भी ज्ञान 2018 में लिया है और मुझे उम्मीद है वो भी इस ज्ञान को आगे कायम रखेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, देखने में ये आती है कि वो दोनों युगल हैं। बहुत ही कम आध्यात्मिक इस ज्ञान में चलने को राजी होते हैं, कहते हैं नहीं आप जाओ, मुझे नहीं चलना इस रास्ते पे, या मुझे ये ज्ञान नहीं लेना, बहुत सारी बातें परिवार में ऐसे देखने को आती है। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात है, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों ज्ञान में चलते हैं, दोनों एक साथ ही इस ज्ञान में आए हैं। आइए स्वागत करते हैं पाथ ऑफ सक्सेस में दोनों डॉक्टर का और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो अपनी सफलता को प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टर जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। पहले शुरुआत आपसे करते हैं कि आप एक पशु चिकित्सालय में कार्यरत हैं। जैसे पशुओं की बात करें, आजकल पशु बहुत सारे ऐसे हैं जो देखने में आते हैं, आपका उसमें क्या स्पेशल कार्य है, क्या कार्य करते हैं पशुओं के लिए आप? दीदी, जैसे आपने कहा कि मैं गुरु अंगद देव वेटरनरी यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ जी, तो मैं 1987 में सहायक प्रोफेसर की पद पे इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करा था। ये अच्छा। पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का ही पार्ट था जी। लेकिन 2006 में पंजाब सरकार ने पशु क्षेत्र में स्कोप देख के जी, डेयरी क्योंकि आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट धंधा है जी, और पहले जैसे होता था कि घरों में एक जानवर रखा, दो जानवर रखे दूध के लिए, लेकिन अब ये एक पूरा प्रोफेशन बन चुका है। पंजाब में जैसे अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध की अवेलेबिलिटी है जी, पर कैपिटा अगर हम देखें, तो उस क्षेत्र को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया और एक अलग से पशु चिकित्सा और विज्ञान की यूनिवर्सिटी बनाई। तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से इसको सेपरेट करके एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया। अच्छा, तो फिर हम वहाँ से इस नई यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे पशुओं का जो रोग है या कुछ ऐसी बात है, वो विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को भी दी जाती जी, है जी, जी। मैं दीदी वही बता रहा हूँ कि जो पशु चिकित्सक बनते हैं तो हम उनकी एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी में दी जाती है। तो इसमें हमारा मेन जो काम है वो है एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जी। जो भी जितने भी पशु चिकित्सक पंजाब में जॉब करते हैं, बनते हैं, तो उनकी पढ़ाई यहीं पे होती है। अरे एक मात्र ये यूनिवर्सिटी है पंजाब में। तो उसके साथ साथ क्योंकि हमारा एक हॉस्पिटल भी है जहाँ पे बीमार पशु आते हैं और उनका इलाज जो है वो होता है जी। तो मैं दोनों कामों में इन्वॉल्व हूँ, टीचिंग में भी जी, और हॉस्पिटल में भी। स्पेसिफिकली जो प्रजनन के रिलेटेड बीमारियां होती हैं पशुओं में, वो मेरी स्पेशलाइजेशन जी है। बहुत अच्छी बात, आते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि पशु एक किसान के साथ भी जुड़ा है और एक किसान पशु के साथ भी जुड़ा है। एग्रीकल्चर में जैसे कि हम देखते हैं आजकल बहुत सारी खेतीबाड़ी होती है, लेकिन उसमें नुकसान भी एक होता है, तो एग्रीकल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दीदी, जो मेरा एरिया है वो है सूक्ष्म विज्ञान के साथ। अच्छा। जो कीटाणु हैं उनसे जीवाणु खाद बनाना, उसके ऊपर मेरा काम है।
अच्छा और मैं इस काम में 1985 से हूँ। अच्छा और जो मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इस एयू में ज्वाइन किया था वो 1989 ईयर था। अच्छा और लगातार मैं दलहन के ऊपर काम करती हूँ और मेरे पास एक प्रोजेक्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि भारत सरकार का। अच्छा और उसकी मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ क्या जिसमें बात है? दलहन के जितना भी काम थ्रू आउट इंडिया चना के ऊपर चल रहा है वो अच्छा। सारे जो साइंटिस्ट हैं वो मेरे अंडर काम करते हैं। बहुत अच्छी बात। उसका जो सारा दलहन का प्रोग्राम है पूरे साल का और पिछले साल के कार्य में हमने क्या किया उस सारी रिपोर्ट को तैयार करना उसको प्रेजेंट करना ये सारा काम मेरा है और उसके साथ साथ मैं MSc PhD वाले स्टूडेंट्स को गाइड भी करती हूँ। अच्छा और जो आपने बात करी है कि खेती में जो नुकसान हो रहा है जी हम सब सभी जानते हैं कि पीछे कोविड होके हटा है बिल्कुल वो कोविड भी एक कीटाणु के कारण है बिल्कुल तो कीटाणु यहाँ नुकसान करते हैं वहाँ वो फायदा भी देते हैं तो मेरा काम फायदे वाले कीटाणुओं के साथ है। अच्छा क्योंकि दलहन के ऊपर छोटी छोटी गांठे रहती हैं। अच्छा उन गांठों के अंदर छोटे जीवाणु होते हैं जिनको हम रिजोबियम बोलते हैं अगर साइंस के तौर पर बात करें तो उनमें ये शक्ति होती है कि जो हवा में नाइट्रोजन है वो 98% तक होती है। अच्छा और फिर भी हमें अपने खेतों में यूरिया डालना पड़ता है पर ये कीटाणु ऐसे हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेके उसको ऐसे बिल्कुल खाद की तरह बना देते हैं तो उन कीटाणुओं की पहचान करना फिर उनके ऊपर रिसर्च करना फिर उनके ऊपर लगातार 5-7 साल काम करने के बाद वो फार्मर्स को उसका एक बायोफर्टिलाइजर या उसकी एक खाद जीवाणु खाद बनाते हैं उसके ऊपर काम है मेरा और हमने बहुत सारी खादें हैं जो देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों के लिए भी रिकमेंड करी और पंजाब के किसानों के लिए। लेकिन पंजाब के अलावा भी बहुत सारे किसान हैं उन तक आप ये कैसे कार्य करते हैं? जैसे जो मेरा प्रोजेक्ट है जैसे मैंने आपसे बात करी है तो उसमें साइंटिस्ट ऑल ओवर इंडिया जो है वो मेरे अंडर काम करते हैं तो उनके हिसाब से उनकी रिसर्च को तैयार किया जाता है। अच्छा हर साल एनुअल मीटिंग होती है हमारी। अच्छा और उसमें जो है हम उस अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स उनके नीड बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स देते हैं और वहाँ से जो भी हमें हमारे ये कीटाणु होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया जैसे पंजाब के हैं तो वो महाराष्ट्र में भी टेस्ट होंगे तो जो महाराष्ट्र वाले हैं वो पंजाब में भी टेस्ट होंगे तो जहाँ का जो बढ़िया आता है ओवरऑल 3 साल टेस्ट करने के बाद अगर बढ़िया आएगा फिर हम उसकी रिकमेंडेशन करते हैं। अच्छा इस तरह से ये एक सहायक प्रोग्राम है भारत। भाई जी आपके पास आते हैं कि जैसे पशुओं की बात की जाती है आजकल बहुत सारे पशु आपको ऐसे मिलेंगे जैसे गाय है कोई भी पशु ले लीजिए बाहर हमारे सड़कों पे खेतों में ऐसे ही है उन पशुओं की क्या जिम्मेवारी है आपके प्रति मतलब आप क्या कार्य करते हैं उसके लिए? वो एक्चुअली दीदी हमारा कार्य क्षेत्र में नहीं आता है इनफैक्ट क्योंकि पहली तो प्रॉब्लम ये देखने वाली है कि उनको सड़कों पे छोड़ा क्यों जाता है। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि गाय ज़्यादा हम देखेंगे तो या तो हमें वो बुल मिलेंगे मेल जानवर होंगे या कुछ गाय होंगी भैंस नहीं होती हैं। जी जी आप भैंस नहीं सड़कों पे देखोगे क्योंकि गायों में ये प्रॉब्लम रहती प्रजनन की बहुत बड़ी समस्या है खास करके जब ये क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ क्योंकि जैसे आबादी बढ़ी दूध की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो एक क्रॉस ब्रीडिंग होती है जिसमें ज़्यादा दूध वाली गाय का जो है वो कम दूध वाली से मिलान करके एक नई ब्रीड बनाई जाती है। अच्छा। लेकिन वो ब्रीड्स में क्या होता है कि प्रजनन की बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और अपने इंडिया में अगर हम देखें तो जो एनवायरमेंट है वेदर है वो बड़ा हार्श होता है और जो क्रॉस ब्रेड काउज होती हैं गाय होती हैं उनमें वो ज़्यादा गर्मी सहन करने की शक्ति नहीं होती है। अच्छा तो उनमें फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं तो एक स्टेज आ जाती है जब वो किसान के लिए या फायदेमंद नहीं रहती हैं तो कुछ लोग जो हैं वो इनसेंसिटिव हैं उनको छोड़ देते हैं जी तो इसलिए उनका नंबर्स सड़कों पे बढ़ रहा है तो उसकी जो जिम्मेवारी मेन वो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी कार्य क्षेत्र में आता है जिसमें जैसे बहुत सी गौशाला बनी जी, हुई हैं जी, जी, और स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हैं तो हर सिटी में हैं तो उनको उन एरियाज़ में शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पे फिर उनका इलाज भी होता है और उनकी सेवा भी होती है। तो क्या आपने विश्वविद्यालय के अलावा भी कहीं आउट मतलब जगहों पे भी आपने इसका कार्य किया है सिखाने का या सिर्फ
विद्यार्थियों को स्कूल पे ही या कॉलेज में ही सिखाते हैं आप? नहीं दीदी, ये इसका तो बहुत एक्सटेंसिव एजुकेशन का प्रोग्राम है जी, जिसमें क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत रहती जी. है. तो विश्वविद्यालय में भी जैसे हमारा हॉस्पिटल है, हमारा फार्म है, तो वहाँ तो ट्रेनिंग होती ही है. उसके अलावा हम उनको फील्ड में भी लेके जाते हैं. अच्छा. किसानों के दर पे भी लेके जाते हैं उनका फील्ड ट्रेनिंग के लिए. और जैसे मैंने गौशाला की बात करी तो उनके साथ भी हमारा टाई अप रहता है, तो वहाँ पे भी उनके इलाज के लिए भी हम हेल्प करते हैं. वहाँ पे कई बार रिसर्च भी करते हैं, कोई नई खोज करनी है जी. या फिर वहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए भी हम जाते हैं. और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में एक प्रोजेक्ट अभी हमने शुरू करा है जिसमें एक गौशाला हम यहाँ भी बना रहे हैं. वो अच्छा, वो प्रोजेक्ट क्या है? वो बन रही है अभी जी. तो उसमें क्या है कि जैसे ये ऐसे जानवर हम लाएंगे तो उनका जो विश्वविद्यालय लेवल पे भी ये काम चलेगा सारा. अच्छा अच्छा. तो आपकी थोड़ी सी बात मैं थोड़ी सी पीछे की तरफ लेती हूँ. आपको इसी चीज़ में, इसी लाइन में क्यों इंटरेस्ट हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं प्रोफेसर अलग तरह से बनना चाहते हैं, टीचिंग जॉब है, फिर या अपना बिजनेस है या इंजीनियर है, बहुत सारी ऐसे फील्ड है. आपने यही एक लाइन क्यों चुनी? दीदी जैसे ये मतलब हमारा जो ओरिजिन है वो गाँव से है. अच्छा. और जो लोग गाँव से जुड़े होते हैं उनका पशु के साथ वैसे जुड़ाव रहता है, होता है जी. ऑप्शन थी, हर एक उसकी कोशिश भी होती है कि हम मेडिकल डॉक्टर बने, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट एडमिशन की हमारे विज्ञान में और मेडिकल साइंस में बराबर है. अच्छा. एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आजकल जो नीट के थ्रू होता है हम एडमिशन उसके थ्रू ही करते हैं. अच्छा. बेसिक रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन ये है कि अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता है तो प्रेफर दूसरा प्रोफेशन ये होता है. अच्छा. तो हमारे टाइम पे भी उस समय ट्राई तो हमने करा, चलो उसमें एडमिशन नहीं मिली. हाँ, अगले साल हमने दोबारा ट्राई नहीं करा, लेकिन फिर क्योंकि यहाँ एडमिशन मिल गया और जुड़ाव भी था तो फिर इसके साथ ही जुड़े रहे. तो इसमें परसेंटेज क्या होती है, 10th स्टैंडर्ड के बाद या फिर कोई और? प्लस टू के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दीदी, जैसे नीट का मेडिकल एडमिशन होती है. अच्छा. उसी की मेरिट से हम यहाँ भी एडमिशन्स करते हैं. ठीक है. बेसिक रिक्वायरमेंट्स जी. मैम जैसे एग्रीकल्चर में किसान भी आपके आते हैं, आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट बताया, लेकिन कुछ किसान इन चीज़ों में रह जाते हैं पीछे और कुछ बढ़ जाते हैं. तो जो किसान अपने बीज बोने में असफल हो जाते हैं उनके लिए आप क्या एक राय देना चाहेंगे कि हमें इस तरह से एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए? जैसे अब हम देख रहे हैं कि केमिकल्स के यूज़ की वजह से जो हमारा भोजन है वो पूरा ख़राब हो चुका जी, भी वातावरण भी ख़राब हुआ है और मन भी अशांत हुए हैं, चारों तरफ अशांति. तो जो अपना ब्रह्मा कुमारी इसका रिसर्च विंग का प्रोग्राम है जी एग्रीकल्चर का, उसके साथ भी हम जुड़े हैं. अच्छा. और उसमें भी जो है हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स रहते हैं सेंटर पे, तो उन पे हम फार्मर्स को बुला के उनको सेंसिटाइज करते हैं कि आपको जो अगली खेती है वो यौगिक खेती करनी है. उसमें जो माइक्रोबायोलॉजी का मेरा पार्ट है, जीवाणु खाद का, वो भी आता है. अच्छा. उसकी इम्पोर्टेंस भी बताते हैं और यौगिक खेती क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें करनी चाहिए अपना फ्यूचर सेव करने के. तो इसमें ऐसे हम फार्मर्स और बाकी लिटरेचर के थ्रू पहुंचते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हम देते हैं अखबारों के अंदर या हमारे मैगजीन्स निकलते हैं एग्रीकल्चर के, तो उनके हिसाब से छोटे छोटे टॉपिक्स बना के कि क्या इम्पोर्टेंस है जीवाणु खाद की, उसके थ्रू फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम. अच्छा. तो उसमें भी हम इम्पार्ट करते हैं. तो ये चीज़ एक एग्रीकल्चर फार्मर्स फील्ड पर भी जाते हैं. अच्छा. अच्छा. जब उनको प्रॉब्लम हो या उनको टेक्निकली हमें कुछ बताना हो. अच्छा. वैसे भी जी. तो ये चीज़ एक स्कूल में या कॉलेज में आप भी एग्रीकल्चर को लेके आते हैं, स्कूल विद्यार्थियों को सिखाते हैं, या ये एक सब्जेक्ट है? ये एक सब्जेक्ट है दीदी. अच्छा. जो कि प्लस टू करने के बाद जो बच्चे हैं यहाँ पे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी एज ए ऑनर स्कूल कर सकते हैं, या बीएससी अपने उसी स्थान से करके उसके बाद एमएससी के लिए सीधा इसमें आ सकते हैं. तो मैं जैसे बीएससी अपने पेरेंटल जगह से करके फिर मैंने एमएससी में यहाँ एडमिशन लिया था और पीएचडी भी यहाँ से. अच्छा. तो दो तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं. जी जी. तो अभी मैं थोड़ा ज्ञान की बात करना चाहती हूँ कि आप आध्यात्मिक ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ?
दीदी ये भी मतलब लंबी कहानी है जी। बचपन से भक्ति की तरफ तो बहुत थी, मुझे नहीं पता कि मैं भक्ति की तरफ कब से थी जी, बचपन से जी। और बड़े जो जिनको पहले हम गॉड मानते थे, तो बड़े गॉड करे मैंने, बहुत पूजा की जी। और जैसे जैसे जिसको मैं मानती थी वैसे वैसे पीछे पीछे ये मेरे आते हैं। अच्छा। और मेरे युगल आते हैं जी। फिर 2018 में कुछ ऐसी घटना घटी बहुत बड़ी कि हमारा एक ही बेटा था। अच्छा। इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट था। ओह। और अचानक वो चला गया। सो सॉरी। 34 डेज उसकी शादी को हुई, तो बिग शॉक था उस टाइम। ओहो। और कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये लग रहा था कि हम बिल्कुल ख़त्म हो गए। और ऐसे पीस ऑफ माइंड चैनल देखती थी, शिवानी दीदी को सुनती थी, पर ये मुझे शिवानी दीदी को ज़्यादा सुनने नहीं देते थे उस टाइम जब नॉर्मल जी। तो बेटे के जाने के बाद मैं 15 दिन सो नहीं पाई, मेरी आंखें ख़राब होने लग गई। तो मेरी सिस्टर ने शिवानी दीदी के कुछ छोटी छोटी बाइट्स मुझे सुनानी शुरू की। मैं धीरे धीरे थोड़ा 2 घंटे तक सोने लग गई, पर रोती बहुत थी। और ऐसे वो दिन मुझे याद है, 5 जुलाई 2018 उसने शरीर 2 जून 2018 को छोड़ा था। और 5 जुलाई 2018 ये ऑफिस ज्वाइन कर चुके थे, मैं कह रही थी कि मैंने ज्वाइन नहीं करना ऑफिस। मैं ग्रो जा रही थी और टीवी पीस ऑफ माइंड मेरे सामने लगा, नीचे नंबर आने शुरू हुए। और मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ राहत मिल सकती है तो इसी ज्ञान से मिल सकती है। वो एक ऐसा पल था कि रो रही थी और हाथ में फ़ोन कर रही थी, और मधुबन में वो फ़ोन लगा। वहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि आप लुधियाना से बोल रहे हो, तो आपको लुधियाना में वो करना पड़ेगा। मैंने उनको बोला मेरी हालत बहुत ख़राब है, आपको कुछ करना पड़ेगा। और वहाँ से मुझे बड़ी हेल्प मिली, और मुझे मतलब यहाँ सेंटर बताया गया। फिर सेंटर के पास उसके बाद जो मेरे नियरेस्ट मधु पाठशाला थी, पाठशाला उसका बताया गया। और जसबीर दीदी जो हमारी, वो नमित टीचर बनी। और उसी टाइम मैंने, ये तो ऑफिस में थे, और ये जब दोपहर में आए तो मैंने कहा कि कल हम एक स्कूल में जाएंगे जहाँ पे हमें अध्यात्म की ज़रूरत है। और तो हम PhD हैं, पर हमें शांति नहीं मिला, कोई आंसर्स नहीं मिले। हमें वहाँ जाना है, और आपको वहाँ जाके खोजबीन नहीं करनी एक साइंसदान की, हमें वो ज्ञान धारण करना है। समझ नहीं आएगा तो पूछेंगे, बिल्कुल कि हमें समझाओ, बिल्कुल। पर उसकी ये कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उसमें नहीं जाएंगे। पता नहीं मैंने क्यों बोला। और हम चले गए, 7 दिन का कोर्स दीदी ने हमें 15 दिन में कराया, इतने प्यार से कि हमारी दुनिया बदल गई, हमें सच्चाई समझ आने लगी। बहुत तो जो क्वेश्चन था कि वाई मी, उसका आंसर मिलना शुरू। और आज जो हम खड़े हैं तो इस ब्राह्मण परिवार की वजह से ही खड़े हैं। बहुत अच्छा जी। तो और हमारी जर्नी बहुत अच्छा लगा। आपके अंदर क्या परिवर्तन आया राजयोग मेडिटेशन करके, या आप जब करते हैं तो आपको क्या फील होता है, जिससे हमारे जो लोग हैं, जो यूथ है, जो बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप अपने परिवर्तन के द्वारा शायद दूसरों को भी परिवर्तित कर सकें। दीदी जैसे इन्होंने बताया कि उस समय तो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि कुछ समझ नहीं आता था, हालांकि मैं शोर नहीं करता था, आई शोर टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हलचल थी। उस हलचल में क्या हो रहा था कि ऑफिस का काम भी प्रॉपर नहीं हो रहा था, और घर में भी आके अशांति फील होती थी। क्योंकि अगर माइंड सेट नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो जैसे ही हमने ज्ञान लिया तो शुरू में तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्योंकि भक्ति से बिल्कुल ये डिफरेंट है। क्योंकि भक्ति में हमने बहुत भक्ति भी करी, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना ज्ञान में, कि भक्ति का जब एक्सट्रीम हो जाता है तब बंदा ज्ञान में आता है जी। तो ज्ञान में आने के बाद एक तो जैसे इन्होंने कहा, जसबीर दीदी ने हमें बहुत प्यार से इस ज्ञान का दिया हमें, और उसके बाद फिर हम यहाँ हमारे सेंटर इंचार्ज थे राज दीदी, उनकी भी पालना मिली। अच्छा। तो जैसे जैसे हमें इनकी वाइब्रेशंस, ब्राह्मण परिवार का सपोर्ट, और सबसे ऊपर बाबा की जो हमें आशीर्वाद और सपोर्ट मिली, उससे हमने अपने आप को संभाला। अच्छा। तो एकदम से ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू हुआ, शांति फील होनी शुरू हो गई, जो मन में हलचल रहती थी उसमें स्टेबिलिटी आई। धीरे धीरे हम पहले इतने रेगुलर नहीं थे, क्योंकि नया ज्ञान था और इतनी धारणा भी नहीं थी, और उसमें शुरू में थोड़ा समय लगा,
लेकिन जैसे जैसे धारणा होती गई जी, ज्ञान में हम गहराई में जाते गए, तो एक जैसे तूफान होता है उसमें बिल्कुल शांति आने लगा, लहरें बिल्कुल बैठ गई। तो इससे क्या हुआ कि जैसे दफ्तर में भी ऑफिस में भी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हुआ, डिसीजन मेकिंग जो एकदम से, क्योंकि मैं उस समय कुल सचिव की पोस्ट पे था, रजिस्ट्रार था यूनिवर्सिटी का, तो रजिस्ट्रार की पोस्ट पे बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिशन्स हैं और अपॉइंटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, कई कुछ होता है। तो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आई, मैं अग्रेसिव बहुत हो गया था हर चीज़ में, उसको एग्रेसिवली लेना, तो उसमें भी अपने आप में थोड़ा सा शांति महसूस करके, स्टेबल फील करके चलने लग गया। तो यही मैं कहूँगा, एक सबसे बड़ी जो अशांति थी वो शांति आ गई और डिसीजन मेकिंग भी बेटर हुआ। और जैसे जैसे धीरे धीरे फिर दीदी ज्ञान में आगे बढ़े, तो जो संपर्क संबंध थे उनमें जो हलचल उसमें भी बहुत रहती थी, ये डिटेल में ये बता सकते हैं उस चीज़ का, इन्होंने एक्सपीरियंस भी करा है जी। तो उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, जिन लोगों से बिल्कुल बनती नहीं थी उनको, जैसे हम कहते हैं कि भावनाएं शांति की किरणें दो, शुभ भावना, शुभ कामना, तो वो चीज़ें अडॉप्ट करने से हर रिलेशन में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, बदलाव आया। हाँ जी, और पहले नहीं करते थे हम अमृत वेला, फिर धीरे धीरे हमने अमृत वेला भी करना शुरू करा जी। और जैसे ही अमृत वेला रेगुलरली हमने करना शुरू करा दी थी, उसमें तो जैसे ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई, जैसे सुबह से लेके रात तक बिल्कुल कोई थकावट नहीं होती है, बाबा की जो शक्ति है, और हर स्टेप पे बाबा जैसे कहते ना जी हाथ पकड़ के आपको चलाते हैं, वही चीज़ हमने एक्सपीरियंस करी और अब भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे लगता है कि अब इसमें क्या होगा, तो पता नहीं कैसे होता है और खुद ही उसमें से हम बाहर निकल, पानी की तरह बह के निकल जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत तो मतलब ज़िंदगी जो है बिल्कुल अशांति से शांति में तब्दील हो गई। तो आध्यात्मिक की तरफ से आपका क्या एक मैसेज जाना चाहिए कि हमें किस तरह से आध्यात्मिक अपने जीवन में लेके आए हमारी जनता के लिए? आजकल हम देखें आसपास हर जगह अशांति है, प्रकृति भी अशांत है जी, आत्माएं भी अशांत हैं जी, और हर चीज़, जैसे बात हुई थी कि खाने पीने में भी इतनी ज़्यादा वो पॉल्यूशन है आ गई है कि उसमें माइंड स्टेबल रह ही नहीं पा रहा है। तो अपनी ज़िंदगी को अगर मैंने तो जैसे खुद फील करा है, मेरा तो यही मतलब सजेशन सभी के लिए रहेगा कि अगर हम अपना जीवन इम्प्रूव करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं, तो हमें अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा जी। बिना अध्यात्म के सोल्यूशन इस प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा, आप दोनों ने अपने अपने जीवन की कहानी बताई और यहाँ तक कैसे आप पहुँचे और आध्यात्मिकता को कैसे आपने अपनाया, ये आप दोनों से ज़्यादा और कोई अच्छा नहीं जान सकता। आप दोनों इसी तरह से हमारे इस कार्यक्रम में आते रहें और आगे और सफलता को प्राप्त करें, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। नमस्कार, शुक्रिया, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मित्रों, पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी दर्शकों ने देखा कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। अपनी जीवन की सफलता को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।